वो जो साइफर होता है ये बड़ा जरूरी है आपने समझना, वो वाकई उसको सीक्रेट रखना, उसको खुफिया रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दफा वो कोड दुनिया को पता चल जाए तो सारे जितने भी आपके एम्बेसडर्स खुफिया मैसेजेस भेज रहे होते हैं फॉरेन ऑफिस बाहर की दुनिया से, वो सारे पब्लिक हो जाएंगे। जो साइफर आता है फॉरेन ऑफिस के अंदर वो कभी किसी के पास नहीं जाता, वो सिर्फ फॉरेन ऑफिस में रहता है, वो चोरी नहीं हो सकता। जो हमारे पास आता है और जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, आईएसआई का चीफ और फिर एक जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी के पास, ये याद रखें कि ये वो साइफर नहीं जाता। ये साइफर का जो मफहूम होता है वो अपने लफ्जों में लिख के हमारे पास पहुंचता है। तो साइफर फॉरन ऑफिस में रहता है, वो कभी वो ना चोरी हुआ है ना वो और कोई देख सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर, हम कोई नहीं देख सकते, क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी का कानून है जो कि कैबिनेट डिवीजन बताती है इनको फॉरेन ऑफिस को। तो पहले तो ये साइड पे कर दें कि साइफर का जो कोड था वो कभी भी पब्लिक नहीं हुआ, किसी ने नहीं वो देखा बशमूल प्राइम मिनिस्टर के। 27 तारीख को मैंने जलसे में जो एक कॉपी लहराई वो साइफर नहीं था, जो साइफर के अंदर पैगाम था तो वो मैंने बताया, और मैंने तब भी मुताद रहा, मैंने ये नहीं बताया कि, मैंने कहा ये बड़ा सेंसिटिव है, मैंने लिख के बताया कि मैं सिर्फ कोई गलत बात ना कह दूं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस है, हमारी दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात है, वो ना खराब हो जाए।